और तितर बितर करने के लिए। वाटर कैनन का प्रयोग यहाँ पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया है। आज ये शक्ति प्रदर्शन दोनों तरफ से यह देख सकते हैं आप। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें संजोली की। शिमला में क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर करना पड़ा है, तमाम जो सुरक्षा बल हैं वो वहां पर डटे हुए हैं, बैरिकेटिंग का इस्तेमाल। और देखिए आप प्रदर्शनकारियों को देखिए, हाथ खड़े करके वो एक तरीके से इशारा कर रहे हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन हम यहाँ से हटेंगे नहीं। तो वाटर कैनन का इस्तेमाल करती हुई तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तस्वीर में आप देखेंगे बड़ी तादाद में ये प्रदर्शनकारी यहाँ पर जमा है, आगे बढ़ने से रोकने की प्रशासन की कोशिश है, लेकिन दूसरी तस्वीर आप देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस वाटर कैनन के इस्तेमाल के बावजूद भी ये प्रदर्शनकारी यहाँ से हिलने को तैयार नहीं है। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, शिमला के संजोली में जो मस्जिद है उसको लेकर लगातार विवाद बढ़ता चला जा रहा है। उस मस्जिद तक पहुंचने की इन प्रदर्शनकारियों की कोशिश है, पहले बैरिकेटिंग को उखाड़ कर फेंक दिया गया, उसके बाद लाठी चार्ज के बाद ये लोग यहीं पर ही अभी भी इकट्ठा हुए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, अवैध निर्माण का विरोध किया जा रहा है। हालांकि प्रदर्शनकारी सवाल कर रहे हैं कि क्यों लाठी चार्ज किया जा रहा है, इससे पहले भी हमने प्रदर्शन किया, लगातार प्रशासन को इसकी चेतावनी दी जा रही थी और उसके बाद अब पुलिस का ये रवैया गलत है, ये प्रदर्शनकारियों का वहां पर कहना है। तो प्रदर्शनकारी हटने को तो तैयार नहीं है। कैमरे के ऊपर भी सीधी तस्वीरें, कैस्मिन यहां पर आप देख सकते हैं सारे तमाम लोगों के ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है। आप सीधे ये देखिए लड़की यहाँ पर घायल हो गई है। घायल घायल तो हो गए भैया, हम बच्चों को लेने स्कूल जा रहे थे, मैं तो रास्ते में सीधी चल रही थी, लोगों ने यहाँ पे पुलिस प्रशासन मुड़वा बाद इन लोगों ने पता नहीं क्या करके रखा हुआ है। जनता पीसफुली जा रही है, परसों भी प्रदर्शन, दो दिन पहले भी प्रदर्शन हुआ है, सब कुछ ठीक था, लोगों ने एक पत्थर तक नहीं उठाया इनके ऊपर। और इन लोगों की तानाशाही देखिए आप, इन्होंने आम जनता को, ये कोई बाहर से लोग नहीं आए हैं, ये घर घर से यहीं से निकल कर आए हैं, कुछ कारण है, कुछ मुद्दा कैन गंभीर है, इसी करके लोग घर घर से निकल कर आए हैं। बिल्कुल जैस्मिन टारगेट किया जा रहा है चुन चुन के, ये देखिए सीधे तौर पर तमाम लोगों को, चाहे वो मीडिया के, हाँ ये सारा कुछ पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट करके काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि आम जनता को भी इसमें संलिप्त किया जा रहा है, जो लोग सीधे जा रहे हैं अपने रास्ते में। प्रदर्शनकारियों पर कोई खास असर होता हुआ वाटर कैनन का नहीं दिख रहा है, क्योंकि छतरी लेकर वहां पर प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। और इस तरीके से, एक तरीके से कहा जा सकता है कि इस वाटर कैनन का वो आराम से सामना कर ले रहे हैं। और हाथ खड़े करती हुई तस्वीर भी आप देखिए, साफ इशारा है, एक तरीके से संकेत है कि कुछ भी कर लीजिए हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो कई तैयारियां करके भी प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और लोगों का कहना है कि पत्थर एक बार भी नहीं उठाया गया है प्रदर्शनकारी द्वारा, फिर भी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था, उसके बावजूद यहाँ पर उन पर यहाँ पर स्थिति अनियंत्रित यहाँ पर जैस्मिन हो रही है। देखिए आप भीड़ आगे बढ़ रही है, दोबारा से भीड़ आगे बढ़ना यहाँ पर शुरू हुई है, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर। बिल्कुल फिर एक बार फिर बिल्कुल जैस्मिन यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो संघर्ष पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। लोग आगे, ये पक्का मुक्की दीपक 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 सीधी तस्वीरें दीपक सीधी तस्वीरें आप जैस्मिन यहाँ पर देख, और ये दोबारा से लाठी चार्ज की स्थिति बनती हुई, जैस्मिन दोबारा से लाठी चार्ज। बिल्कुल बिल्कुल दोबारा से और ये लाठीचार्ज की दोबारा से नौबत आन पड़ी है। जैस्मिन डंडे मारे जा रहे हैं पकड़ पकड़ कर प्रदर्शनकारियों को, यहाँ पर जो सीधी तस्वीरें आगे से हैं, दोबारा से पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है, पकड़ कर एक एक प्रदर्शनकारी को पीटने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, सीधे तौर पर आप देख सकते हैं।
और ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। सर जब आग लगती है तब तो पानी होता नहीं, आज हमारे ऊपर पानी बरसा रहे, ये क्या बात होती है? पीने का बिल्कुल पानी है नहीं, पानी है नहीं, और ये पानी खुला बरसा रहे हैं, ये तो मजाक है। यहाँ कुछ लोग हैं बहस पुलिस से कर रहे हैं, ये तो बड़ा खराब होगा। ये जो पुलिस प्रशासन कर रही है ये बहुत अन्याय कर रही है, और हम इंजन घर तक जाके रहेंगे, चाहे हमारे लाशों के ऊपर से। इन्होंने हमारे बंदों को दंडों से बगैर मतलब के मारा है, शांति प्रिय प्रदर्शन हो रहा था। डाले! डाल 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 बिल्कुल उग्र हम कहते हैं, कह सकते हैं कि अब ये प्रदर्शन होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी अब धीरे धीरे उग्र जैस्मिन हो रहे हैं, यहाँ पर जहाँ स्थिति बनती है लाठीचार्ज हो रहा है बिल्कुल। और लाठीचार्ज एक बार फिर से पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। एक तस्वीर में आप देखेंगे लोगों को कंट्रोल करने के लिए, भीड़ को कंट्रोल करने के इस वक्त पूरी कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। वाटर कैनन का भी कोई यहां पर असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, वो पहले से ही छतरी लेकर पहुंचे, क्योंकि वो जानते होंगे कि इस तरह से भीड़ जब आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि पूरी तैयारी से प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। धीरे धीरे मूवमेंट अब हो रही है, एक्स्ट्रा फोर्स पुलिस की तरफ से मंगवाई गई है, यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स मंगवा रहे हैं। धीरे धीरे पुलिस अब आगे बढ़ रही है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी अब आगे बढ़ रही है, तो जो एक्शन है उसको अब तेजी से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश पुलिस की तरफ से हो रही है। यहाँ पर धीरे धीरे अब फोर्स को भी बढ़ाया जा रहा है, और साथ में ये देखिए दोबारा से हलचल तेज यहाँ पर होती हुई दिख रही है जैस्मिन। बिल्कुल धीरे धीरे अब एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स मंगवाई गई है, इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड का वाहन है उसको भी आगे मूव किया जा रहा है। धीरे धीरे संख्या में बड़ी संख्या में अपने जो प्रदर्शनकारी है उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है जैस्मिन। ये बड़ी स्थिति है, प्रदर्शनकारियों की संख्या जो पहले उम्मीद लगाई जा रही थी कि कम होगी, वो संख्या अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे प्रदर्शनकारी यहाँ पर एकत्र हो रहे हैं और उग्र होते जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है प्रदर्शनकारी उग्र होते जा रहे हैं। यहाँ पर एनफोर्स की गई थी धारा 163, बड़ी संख्या में 1000 पुलिस बल की तैनाती की बात कही जा रही थी, 1000 के करीब पुलिस बल। लेकिन अब जो स्थिति है वो अनियंत्रित होती जा रही है, उग्र पुलिस प्रदर्शनकारी होते जा रहे हैं। धीरे धीरे वाटर कैनन आगे लाया जा रहा है, पुलिस फोर्स ये देखिए एसपी की तरफ से सीधे निर्देश हुए हैं कि वाटर कैनन आगे लाया जाए, आप देख सकते हैं। और धीरे धीरे पुलिस फोर्स को भी बढ़ाया जा रहा है ताकि जो भीड़ जमा है इसके ऊपर लाठीचार्ज किया जा सके, वाटर कैनन का प्रयोग किया जा सके। ये तमाम चीजें यहाँ पर होती हुई अब दिख रही है, और धीरे धीरे ये जो वाहन है वाटर कैनन, अगर एक गाड़ी खराब खत्म होती है तो उसके पीछे दूसरी गाड़ी है। पुख्ता इंतजाम यहाँ पर प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए। बिल्कुल यहाँ पर हमारे साथ एक यहाँ प्रदर्शनकारी है, क्या कहेंगे आप? देखिए हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, हमने वहाँ पर शांतिकारी इनको आह्वान किया कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इन्होंने हमारे को बैरिकेड लगा के टकराव की स्थिति उत्पन्न कर दी। हम नहीं चाहते थे कि हमें प्रशासन से लड़े टक्कर लें, लेकिन इन्होंने हमें मजबूर कर दिया, और हम चाहते हैं कि ये जो हमें शांतिपूर्वक धरना देने दे, प्रशासन ने मजबूर किया है। आज जो टकराव हुआ है वो प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें हमारे कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं जिनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, लेकिन हम अपनी इस अवैध मस्जिद को तोड़ने की मुहिम में शामिल है, और हम चाहते हैं जल्द से जल्द सूखे, और ये जो माहौल है ये जो कार्यक्रम है ये आगे लगातार बना रहेगा, और शिमला से लेकर के हिमाचल तक इस कार्यक्रम को हम लेकर के जाएंगे। बिल्कुल, तो प्रदर्शनकारी जैस्मिन उग्र होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, और धीरे धीरे जो फोर्स है उसको भी बढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर फोर्स भी बढ़ाई जा रही है, और एक गाड़ी है वाटर कैनन है इसको भी आगे लाया जा रहा है, और ये संघर्ष आप यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में हो रहा है। प्रदर्शनकारी हैं जो संचौली चौक पर बढ़ाई जा रही है, उसके साथ साथ प्रदर्शनकारियों की संख्या भी और ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, रोकना मुश्किल हो रहा है, तमाम जो प्रदर्शनकारी वहां पर इकट्ठा हुए हैं वहां पर जो जुटे हुए हैं, वाटर कैनन भी फेल साबित है इनके प्रदर्शन के आगे, क्योंकि इनकी मांगे हैं कि जो अवैध निर्माण है उसको वहां से हटा दिया जाए।
डीसी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, एसपी यहाँ पर स्थिति दे रहे हैं, एएसपी यहाँ पर पूरा ब्रीफ कर रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो तमाम जो सरकारी अमला है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है, कोशिश की जा रही है इनकी तरफ से, लेकिन देखते हैं अब किस प्रकार से स्थिति को, जो जिला के सभी आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो स्थिति है वो यही जस की तस बनी हुई है, तमाम प्रदर्शनकारी ठहरे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जस्मीन, लगातार बड़े अधिकारी भी वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं। आप देखिए जैसे जैसे सुरक्षा बलों की यहां पर यानी कि फोर्स बढ़ाई जा रही है, वैसे वैसे भीड़ भी ज्यादा उग्र होती जा रही है। आप देखेंगे बैरिकेडिंग को हटाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सुक्खू सरकार के पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया। और हमारी जो न्यूज 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल, देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।